आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संसद में रचा गया इतिहास, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लोकसभा में पास, पक्ष में पड़े 370 वोट। धारा 370 को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन की गलत टिप्पणी, सोनिया गांधी हुई नाराज। फारूक अब्दुल्ला 370 के मसले पर अदालत जाएंगे, अब्दुल्ला बोले मैं नजरबंद हूं। मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में, जबलपुर में भी शुरू हुई छापेमारी। और शिवपुरी में सरकारी स्कूल की दीवार गिरी, कई बच्चे हुए घायल, दो की हालत गंभीर। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में भी धारा 370 को लेकर लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद इससे संबंधित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया। बिल के पक्ष में 370 और खिलाफ में कुल 70 वोट पड़े। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर हुई चर्चा का जवाब दिया और कहा 370 कश्मीर को देश से अलग करती थी, क्योंकि इसी ने जनमानस के मन में शंका पैदा की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में हमें 70 साल नहीं लगेंगे, स्थिति सामान्य होते ही जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य बन जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अगर कश्मीर के लिए मरना भी पड़ा तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी 370 धारा हटाए जाने का समर्थन किया है। हाँ, ये जरूर कहा है कि पेश करने का तरीका गलत है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि धारा 370 कश्मीर को भारत से जोड़ती नहीं बल्कि जोड़ने से रोकती है। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने में 70 साल नहीं लगेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का सवाल है, तो बता दूं कि यह लद्दाख की मांग थी, लेकिन कश्मीर के बारे में फिर से विचार किया जाएगा। नेहरू जी ने तो 370 को भी अस्थाई बताया था, उसे हटाने में 70 साल लगे, लेकिन हमें 70 साल नहीं लगेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्री सब रहेंगे। शाह ने कहा कि जनमत संग्रह तभी खत्म हो गया जब पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं को तोड़ा था। अब यूएन में जनमत संग्रह का कोई मुद्दा नहीं है। घाटी में स्थिति ना बिगड़े इसके लिए कर्फ्यू लगाया था, स्थिति बिगड़ी है इसीलिए नहीं लगाया। जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया कानून किसी भी सूरत में सांप्रदायिक नहीं हो सकता, इस आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, इतने साल से 20 लाख से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला है, उनका ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, सारा सूफी संप्रदाय उखाड़ कर जम्मू कश्मीर से फेंक दिया, एक सूफी संप्रदाय का कोई ह्यूमन राइट नहीं था? लाखों लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर निकल गए, उनका ह्यूमन राइट नहीं था क्या? 370 कौन से ह्यूमन राइट की खेल कहाँ है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो 370 का समर्थन करते हैं वो दलित विरोधी है, ट्राइबल विरोधी है, महिला विरोधी है, विकास विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, और जो 370 का समर्थन करते हैं वो आतंकवाद, गरीबी, शोषण और अशिक्षा का समर्थन करते हैं। मैं और मेरे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती। मैं सदन को कहना चाहता हूँ कि आइए फिर से एक बार सोचे। बहुत जल्दी है वो रास्ते पर, वो रास्ता हमारे लिए मुबारक नहीं है। वो रास्ते पर 40,000 लोग जान गवा बैठे, 41,000 लोग जान गवा बैठे। वो रास्ता छोड़े, मोदी जी और ये सरकार जो नया रास्ता लेकर आई है इसके रास्ते पर आगे बढ़े और घाटी, लद्दाख और जम्मू तीनों की जनता को आजादी के बाद जैसे सब प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, सब प्रदेश के अंदर संपत्ति बढ़ी है, उनको भी वो अधिकार दे और साथ अर्थ में भारत के साथ जुड़ने का मौका दे। लोकसभा पहुंचे पीएम मोदी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कश्मीर के आवाम की आवाज मोदी सरकार सुन रही है।
जो धारा 370 के खिलाफ है। धारा 370 की वकालत करने वाले किसी भी नेता ने शहीद उमर फयाज शौर्य चक्र विजेता औरंगजेब के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं की। आतंकवाद की पैरवी करने वालों को 370 हटाने से परेशानी है, लेकिन देश से प्रेम करने वालों के चेहरे पर चमक है। लोकसभा में धारा 370 पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस की भद्द पिटवा दी। अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर सोनिया गांधी भी टेंशन में आ गई। लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल और धारा 370 कमजोर किए जाने का विरोध किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल पेश किए जाने का विरोध किया और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में जो पक्ष रखा उससे सोनिया गांधी नाराज हैं। अधीर रंजन ने कहा कि 1948 के लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र निगरानी कर रहा है, ऐसे में ये आंतरिक मामला कैसे हो सकता है। बस कांग्रेस नेता के इसी बयान पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए और अधीर की गलती से सोनिया गांधी टेंशन में आ गईं। मेरा ये जानना, मैं शंका में हूँ, क्योंकि आप कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया। आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन लेकिन नहीं 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 लेकिन मेरा कहना है कि 1948 से 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो का इंटरनल मामला है नंबर वन। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो का इंटरनल मामला था, ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धाजिया उड़ा के हमें समझना चाहिए, हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहा है। इस दौरान सोनिया गांधी अधीर रंजन के बगल में बैठकर ये सब देख रही थी और उनकी बात सुन रही थी। लेकिन जब अधीर रंजन ने संयुक्त राष्ट्र वाली बात कही तो सोनिया गांधी चौंकती हुई दिखाई दी। वह पीछे की ओर पलटी और पीछे की पंक्ति में बैठे पार्टी के नेताओं की तरफ कुछ इशारा किया। अधीर रंजन के बयान पर अमित शाह काफी आक्रामक हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को लेकर उठाए गए कदम का सबसे ज्यादा और बड़ा झटका जम्मू कश्मीर के प्रमुख दलों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोमवार को राज्यसभा में और मंगलवार को लोकसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाने के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला मीडिया के सामने आए और कहा कि वो इसके खिलाफ विरोध में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें नजरबंद कर रखा है। दो दिन में पहली बार मीडिया के सामने आए अब्दुल्ला ने सरकार के फैसले पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि यह पीठ पर वार है और हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। फारूक ने कहा कि जब मेरा राज्य जल रहा है और मेरे लोगों को जेल में डाला जा रहा है तो मैं घर में क्यों बैठूंगा? यह वो भारत नहीं है जिस पर मैं भरोसा करता था। अमित शाह के बयान पर भड़कते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि संसद में गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है कि मैं नजरबंद नहीं किया गया हूं और अपनी मर्जी से अपने घर में बैठा हूं। We believe in peaceful resolution of things. If they want to murder us, we are ready. My chest is ready. Fire here, not into my back. For I stood for this nation. सरकार के फैसले पर आगे की प्लानिंग पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जैसे ही दरवाजे खुलेंगे और हमारे लोग बाहर आएंगे, हम लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे। हम बंदूक चलाने वाले नहीं, ग्रेनेड फेंकने वाले नहीं और ना ही पत्थर फेंकने वाले हैं। हम शांतिपूर्ण समाधान में भरोसा करते हैं। वो हमें मार देना चाहते हैं। मेरा बेटा जेल में है। शिवपुरी के बैराड़ के शासकीय विजय आनंद स्कूल की दीवार गिर गई। इस हादसे में आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिसमें दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। बैराड़ के सरकारी विजय आनंद स्कूल की दीवार अचानक गिर गई। स्कूल भवन गिरने से हड़कंप मच गया।
बच्चों में भगदड़ मच गई। हादसे के बाद कुछ बच्चे मलबे में दब गए थे, जिन्हें स्कूल स्टाफ ने स्थानीय लोगों की मदद से निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही शिवपुरी पुलिस और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि पिछले साल ही इसे बनाया गया है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त 9वीं क्लास में 6 बच्चे पढ़ रहे थे, तभी स्कूल के पिछले हिस्से की दीवार भरभराकर गिर गई। घायल बच्चों में 2 की हालत चिंताजनक है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 370 धारा को हटाने को लेकर कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर की 70 साल पुरानी समस्या को एक झटके में खत्म कर दिया है। देश के नागरिक मोदी और शाह को धन्यवाद दे रहे हैं। ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर नरोत्तम ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार को चुनौती दी है, कहा है कि सबूत हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। धारा 370 हटाने को लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि पूरा देश केंद्र के इस कदम की सराहना कर रहा है। 70 साल की कश्मीर की समस्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही झटके में निपटा दिया है। देश का हर नागरिक मोदी और शाह का धन्यवाद कर रहा है। ई टेंडर घोटाले को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ई टेंडर में कुछ नहीं मिला तो आयकर विभाग की मदद से सरकार पुराने मुद्दे उखाड़ रही है। मैं छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूं। नरोत्तम ने चुनौती देते हुए कहा कि सबूत हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। मिश्रा ने कहा कि ईओडब्ल्यू कमलनाथ की कपिला गाय हो गई है। कश्मीर की समस्या की समाधान की दिशा में जो ऐतिहासिक कदम उठाया, वास्तव में देश का हर नागरिक तहे दिल से उन्हें बधाई दे रहा है, आभार व्यक्त कर रहा है और साधुवाद। ये तय हुआ कि मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करती है। मेरे पक्ष में फैसला आया, ये सारी कॉपियां उन सब निर्णयों की मेरे पास है। लेकिन वो भी उनको भी मालूम है कि ये कॉपियां हमारे पास हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विषय को भटकाना है, कर्जा माफी को। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोई नौजवान की बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं करे, इस बात को भटकाना है। इसलिए गड़े मुर्दे ईओडब्ल्यू के माध्यम से उखाड़े जा रहे हैं। मेरे यहाँ आज तक कोई छापा नहीं पड़ा है, सरकार मुद्दों से भटकती है। मुकेश शर्मा के यहाँ जो छापा पड़ा उसमें मेरा कोई नाम इंटेंशनली शामिल किया गया है। कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना है, इसीलिए ई टेंडर की बात की जा रही है। ई टेंडर में 7 विभाग भी शामिल हैं, लेकिन उनमें से किसी विभाग के अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है। ई टेंडर के माध्यम से मेरे चरित्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। मिलावटखोरी पर मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि इसके लिए अब स्पेशल टीम काम करेगी। मिलावटखोरी पर प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक्शन में है। लगातार छापामार कार्यवाही चल रही है। कई स्थानों पर मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ रासुका के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। अब भोपाल में भी ऐसी ही छापामार कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने इसे लेकर भोपाल कलेक्टर, कमिश्नर और DIG के साथ एक बैठक की। बैठक में यह तय किया गया कि भोपाल में भी मिलावटखोरों के लिए छापामार कार्रवाई होगी। इसके लिए संभाग स्तरीय एक टीम बनाई जाएगी, जिसमें प्रशासन, पुलिस और खाद्य विभाग के अफसर शामिल होंगे। उसकी जांच अभी 100 से ऊपर कुछ आ गई है और कुछ हमें कमी पड़ रही है तो हम सैंपलों को बॉम्बे भेज रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ ना, ये कोर्ट में थी। आज मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है, आजीवन कारावास हो, फर्स्ट ट्रैक में इनका मुकदमा चले, क्योंकि ये बचे नहीं, मिलावट नहीं हो। मेरे बेटे को, मेरी माँ को, मेरी बहन को जो जहरीला दूध आप देना चाहोगे, कितनी बड़ी भी सजा का प्रावधान हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। दूषित खाद्य सामग्री पर रोक लगाने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीम ने जबलपुर में छापामार कार्रवाई की। होटल में बन रही खाद्य सामग्री के किचन को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। किचन में सीलन भरी गंदगी के बीच मिठाई व अन्य खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी। किचन में गंदगी पाए जाने पर अधिकारियों ने चालानी कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला। जबलपुर में दूषित खाद्य सामग्री पर रोक लगाने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीम ने शहर के 6 होटल, बेकरी, डेयरी में छापामार कार्रवाई की। अधिकारियों ने जब होटल, बेकरी और किचन देखा तो दंग रह गए। मिठाइयां ऐसी जगह बनाई जा रही थी कि जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। किचन में सीलन भरी गंदगी के
बीच मिठाई व अन्य खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी। अधिकारियों ने होटल बेकरी संचालकों पर स्पॉट फाइन कर 46,000 का जुर्माना वसूला। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अमित जैन की अगुवाई में गोल बाजार स्थित चंद्रकला स्वीट्स, हीरा स्वीट्स होटल और दीनदयाल चौक स्थित राम डेयरी में छापा मारा गया। इसी तरह सहायक स्वास्थ्य अधिकारी आरपी गुप्ता की टीम ने नौद्रा ब्रिज में स्थित हीरा स्वीट्स, गौरव बेकरी, मनोहर बेकरी में दबिश दी। किचन में गंदगी पाए जाने पर चालानी कार्यवाही कर अधिकारियों ने होटल बेकरी संचालकों पर स्पॉट फाइन कर 46,000 रुपए का जुर्माना वसूला। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर है। कोरबा जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से कई बस्तियों और शहर की सड़कों पर पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर हैं, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से कई बस्तियों और शहर की सड़कों पर पानी भर गया है। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं किसान खुश नजर आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र के पंडित रविशंकर शुक्ला नगर, बुधवारी पावर हाउस सहित अन्य कॉलोनियों में पानी भर गया है। वहीं दूसरी ओर शारदा विहार, लालूराम कॉलोनी सहित अन्य निचली बस्तियों में भी पानी घुस गया है। निचली बस्तियों के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि बांगो डैम को भरने में अभी काफी वक्त लगेगा। बताया जा रहा है कि बांगो डैम के कैचमेंट इलाके में पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते बांगो डैम में पानी तेजी से नहीं भर रहा है। बेला कछार नाले के ऊपर से पानी बह रहा है, जिस कारण ग्रामीण परेशान है। कई जगह ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से टूट गया है। शिक्षक को स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के भविष्य संवारने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए एक शिक्षक ने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से खेत में मजदूरी कराई। पैसे का लालच देकर बच्चों को खेत में ले जाया गया और उनसे रोपाई कराई गई। कांकेर जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन हो रहा है। जिले के दुर्ग कोंदल ब्लॉक में एक शिक्षक ने अपने खेत में स्कूली बच्चों से मजदूरी करवाई। भंडार डिग्री आश्रम के 7 बच्चों को कोदापाखा गांव के शिक्षक जगत नरेटी ने 150 रुपए मजदूरी देने के लालच में अपने खेतों में ले गया और रुपाई का काम करवाया। इस दौरान आश्रम के अधीक्षक और चपरासी भी नदारद रहे। स्कूली बच्चों के खेतों में रुपाई का काम करने वाले वीडियो को स्थानीय व्यक्ति ने उपलब्ध कराया है। लोगों ने इस मामले की शिकायत जिले के सहायक आयुक्त विवेक दलेला तक की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। स्थानीय लोग अब इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से करने जा रहे हैं, ताकि ऐसे कारनामों पर अंकुश लगाया जा सके। कुएं में जहरीली गैस से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होने से क्षेत्र में हंगामा मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।
बालाघाट के लांची में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जहरीली गैस से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये 3 लोग कुएं में उतरे थे। यहां पहले से ही जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था, जब तक ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बेहोश हो गए। कुछ देर बाद 3 की ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हंगामा मच गया। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान बेनीराम, जियाराम और विकास के रूप में हुई है। भोपाल में चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। चोरों ने सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए घर में रखे सोने और चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। चोर मकान से लगभग 5 लाख के आभूषण ले उड़े। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खजूरी थाना क्षेत्र के भौरी गांव में चोरों ने एक सुने मकान में धावा बोल दिया और घर में रखे सोने और चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। ब्रजमोहन सिंह रौली नामक व्यक्ति के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी के समय बेटा और बहू घर पर नहीं थे। पीड़ित परिवार ने आशंका जताई है कि किसी परिचित ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोर घर से लगभग 4 से 5 लाख रुपए की कीमत के आभूषण ले उड़े। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 457-380 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीछे से कोई अज्ञात चोर आता है, गेट का ताला तोड़ करके ऊपर की मंजिल पहुंचता है और ऊपर के कमरे का ताला तोड़कर अलमीरा से गोल्ड ऑर्नामेंट्स और सिल्वर ऑर्नामेंट्स की चोरी करता है और पीछे के रास्ते से निकल के जाता है। कोई क्लू नहीं मिले हुए हैं। उन्होंने एक दो जो नौकर उनके पास काम करते थे उनको मैं ला रहा हूँ। मेरी टीम गई हुई है। जो पुराने चोर हैं या निकब्जन हैं, उस क्षेत्र की निगरानी बदमाश है, उन सभी के लिए मैंने 3 टीमें बनाई हुई हैं। तो 3 टीमें से लाएंगी और उनके मोबाइल से जो मैंने लिए हैं, मोबाइल टावर से भी लोकेशन लेकर के पिस्टियन डाटा लेकर जाता हूँ। पुलिस ने गांजा तस्करों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी के चैम्बर से 85 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 4,25,000 रुपए आंकी जा रही है। आरोपियों के खिलाफ NDPS के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार गांजा तस्करों पर पुलिस को शिकंजा कसने में सफलता मिल रही है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ओडिशा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जिस पर बस्तर चौकी द्वारा चेक पोस्ट लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की गई। तभी एक सफेद रंग की कार आती दिखी, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को चेक पोस्ट पर खड़ा देखकर आरोपी गाड़ी सड़क पर छोड़कर खेत की ओर भागने लगा। पुलिस ने 2 किलोमीटर दौड़कर इन दोनों आरोपियों को पकड़ा। इसके बाद इनकी गाड़ी की चेकिंग की गई। इंडिगो गाड़ी CG07MB1216 इसको जो है तलाशी ली गई और इसमें जो है अवैध रूप से गांजा का परिवहन करने पाया गया है और इसमें जो है करीब 85 किलोग्राम गांजा, जिसका कुल कीमत 4,25,000 रुपये है, मिलने पर जो है इसे मौके पर जब्त किया गया है। और इसमें जो 2 आरोपी हैं, शुभम गुप्ता और नीरज मिश्रा करके, दोनों मध्य प्रदेश शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो भागने का प्रयास किए, जिन्हें जो है पकड़ा गया है। और इस पर जो है थाना कोतवाली चौकी बस्तर में जो है 20B NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान गाड़ी के चैम्बर से 85 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 4,25,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के अनूपपुर के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से न्यायालय में दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। सागर में SDM कार्यालय के बाहर पेशी के लिए पहुंचे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कुछ समय पहले ही चर्चित रत्तू यादव हत्याकांड में आरोपी था और वह जमानत पर बाहर आया था। SDM कार्यालय के बाहर हुए इस गोलीकांड ने पुलिस सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। सागर में सिविल लाइन थाना के SDM कार्यालय के बाहर एक युवक की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक गोलू उर्फ गोलू दवाड़े आदतन अपराधी था। कुछ समय पहले हुए चर्चित रत्तू यादव हत्याकांड में मृतक आरोपी था, जो कि जमानत पर बाहर आया था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मृतक SDM कार्यालय में पेशी के लिए पहुंचा था। SP अमित सांघी ने बताया कि कलेक्टर के आदेशानुसार जिला बदर के तहत मृतक को SDM कार्यालय में हर हफ्ते सोमवार को हाजिरी लगाने का आदेश हुआ था। उन्होंने बताया कि मृतक पर 20-22 आपराधिक मामले चल रहे थे। संदीप दवाड़े, जिसको जिला बदर के तहत DM ऑर्डर हुआ था और हर मंडे को यहाँ पे हाजिरी लगाने का
आदेश हुआ था, उसी तारतम्य में ये गोलू और संदीप दवाड़े अपना हाजिरी लगाने आए थे और इसने साइन किया था रजिस्टर में। साइन करके ये जब बाहर निकला है तो दो बदमाशों ने इसको गोली मार दी है। इसके लगभग 20-22 अपराध हैं जिसमें हत्या का भी अपराध है। मृतक साइन करके जैसे ही बाहर आया तभी दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एसडीएम कार्यालय की सीढ़ियों पर गोलू को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। सरेआम हुए इस गोलीकांड के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं एसडीएम कार्यालय में सुरक्षा के इंतजामों की भी पोल खुल गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बदमाशों की पहचान के लिए कार्यालय व परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। विंध्य क्षेत्र का मशहूर रानी तालाब पार्क जिले में स्थित सबसे पुराने जल स्रोत में से एक है, लेकिन इस तालाब पार्क की हालत देखकर नहीं लगता कि नगर निगम को इसकी सुध भी है। पार्क में ना ही उचित बैठने की व्यवस्था है और ना ही पेयजल की कोई व्यवस्था की गई है। पार्क में ठेकेदारों की मनमानी के चलते यहाँ शराबी और जुआ खेलने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। रीवा स्थित रानी तालाब पार्क की हालत दयनीय होती जा रही है। नगर निगम की अनदेखी के चलते यहां ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की। जगह जगह पॉलिथीन और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्क में ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं जो कि मनमाना कार्य कर रहे हैं। पार्क अब शराबियों और जुआरियों का अड्डा बनता जा रहा है। आए दिन यहां शराब पीकर लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। आपको बता दें कि पार्क के अंदर जाने के लिए 10 रुपए शुल्क लिया जाता है, लेकिन इस शुल्क का उपयोग ना तो पार्क की सुविधा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और व्यवस्था सुधारने में खंभे लगे हुए हैं। उनके तार जो हैं वो एकदम ओपन है। अगर इस बरसात के मौसम में किसी भी व्यक्ति का पांव उसमें पड़ जाए तो उसका जीवन समाप्त हो सकता है। ना तो शौचालय की कोई व्यवस्था है। दूर दराज से यहाँ पर्यटक स्थल पर लोग आते हैं माता के दर्शन के लिए और इस पार्क को घूमने के लिए कि यहाँ पर साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो। यहाँ पर डस्टबिन नहीं है और यहाँ पर तालाब के किनारे किनारे इनको रेलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि फिसल के कोई तालाब में न गिरे। और रोड भी उखड़ी हुई है कई दिनों से, यहाँ पर रोड का भी काम नहीं कराया गया तो रोड का भी काम करवाना चाहिए। और अवैध वसूली, यहाँ 5 रुपये की पर्ची दी जाती है और 10 रुपये वसूला जाता है। यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए नाली की आवश्यकता है और नाली का निर्माण कराया जाए, लेकिन बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद भी यहाँ पर नाली का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसके बाद दूसरी मांग ये है कि यहाँ पर चारों ओर आप आइए, कभी भी किसी भी समय आइए, यहाँ पर हर समय आपको नशा करते हुए लोग मिल जाएंगे। नशाखोरी सरेआम यहाँ पर हो रही है। पार्क में हर जगह गंदगी का अंबार है, डस्टबिन की व्यवस्था भी नहीं है, फब्बारे बंद हैं, पार्क में जगह जगह लाइटें भी टूटी हुई हैं, झूले क्षतिग्रस्त हैं। नगर निगम द्वारा इन पार्कों के रख रखाव के लिए रखे गए माली नदारा दिखाई देते हैं। पार्क में शराब की बोतलें, कागज व गंदगी के ढेर देखे जा सकते हैं। यहाँ शराबियों का नशे में बेसुध मिलना आम बात है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कुछ दिन पहले कल्याण भाई मेरे से बोल रहे थे कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कश्मीर में, कुछ ऐसा फटने वाला है, बम यो, वहाँ पूरी मिलिट्री पहुंच रही है, वहाँ के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी वहाँ भेजा जा रहा है। मेरे को लग तो रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा होने वाला ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और कल भैया राज्यसभा में बिल पेश हो गया, धारा 370 हटा दी अमित शाह ने। बताओ, ये सब बड़ा धमाका जो 70 साल से जो गलती चली आ रही थी उसको एक दिन में खटाक से इन्होंने निपटा दिया। और मैं बता रहा हूँ, इस पर कांग्रेस के नेता ऐसे बिल बिलाए फिर रहे हैं, इनमें कोई संपट नहीं बैठ रही, क्या बोलें, क्या सपोर्ट करें इसका, क्या करें। कुछ कांग्रेस के नेता सही बात बोल रहे हैं, बोले देश में ये अच्छा हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में एक ही कानून चलेगा और वहाँ की बेचारी लड़कियाँ अगर दूसरी जगह शादी कर लेती तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई रिश्तेदारी नहीं रहती थी। अब ये कोई लोकतांत्रिक चीज़ें हैं क्या? और वहाँ के कश्मीर के नेता बोल रहे हैं कि अलोकतांत्रिक फैसला है, ये है वो है, कोर्ट में जाएंगे। और मैं बता रही, ये सब भाई लोकतंत्र की चीज़ें थी क्या? ये किसी को विशेष अधिकार, किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। और मैं बता रही हूँ, अब क्या हो गया वहाँ, अब दिल्ली जैसा माहौल हो जाएगा वहाँ। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी, इनमें खूँ 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 चलती रहती है, वो एलजी पावरफुल रहेगा, हाँ उसकी चलेगी ज़्यादा, वो ताकतवर रहेगा। और पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी देश है, बेवजह चिल्लाया जा रहा है, मुनमुनाया जा रहा है, बिल बिलाए जा रहे हैं। अरे तुम्हें क्या लेना देना, ये हमारे देश का मामला है, हम कुछ भी करें। हाँ, हम चंद्रयान पे पहुँच गए। मैं कह रहा हूँ भैया, तो आया
फाके पड़ रहे हैं, पेट की जनता का इंतजाम करो, भूखों मर रहे हैं लोग उनका इंतजाम करो, उसके बारे में सोचो, हमारी चिंता मत करो, बेवजह फटे में टांग मत अड़ाओ। हाँ बता रही हूँ, वो आजकल एक मोदी जी का फोटो चल लिया है, वो उन्होंने लाल किले पे तिरंगा फेराया था बहुत दिनों पहले। हाँ वो फोटो बहुत दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, छाया हुआ है, बता रही हूँ। वो मैं बता रही हूँ, ये आदमी देखो पहले दृढ़ संकल्प किया था इन्होंने धारा 370 हटाने का उस वक्त, और वो उन्होंने करके दिखा दिया, बता रहा हूँ। ये काम कहलाते हैं, बता रही हूँ। और पूरे देश में बता रहे हूँ बाढ़ के हालात बने हुए, कई जगह बाढ़ आ रही है, बाढ़ में भी तिरंगा लेकर लोग खुशी मना रहे हैं। वे ऐतिहासिक काम हुआ है देश में बहुत सालों बाद, बता रहे हूँ। वो कांग्रेस के नेता तो ये थे फड़फड़ा रहे हैं, बता रहे हूँ। वो फारूक अब्दुल्ला भाई बोल रहे हैं ये लोकतांत्रिक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और मैं बता रही हूँ कई नेता को तो अभी जेल में ठूसे जा रहा है, उनके जो अपराध हैं, इनके जो मोनोपोली चल रही थी कश्मीर में, इनकी दुकानें चल रही थी, सबकी बंद होने वाली है। हाँ मैं भी जाऊं भैया, मेरे भी दुकान खोलने का टाइम हो गया। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in.